अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पापा, वो देवी कुमार ना वैसे भी हाथ धोकर पीछे पड़ी ध्रुव की, अगर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे ना तो कहीं वो चिढ़ के कोई कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे, बस ये बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, हम एक ही दिशा में तो नहीं चल सकते ना, हमें चारों तरफ हाथ पैर मार के चलना पड़ेगा। हाँ, सही बोल लिया। अभिषेक बा, हमारी परफेक्ट बहुरानी बिल्कुल परफेक्ट बोल रही है। औरतन का जमाना है, करने दीजिए। या आपका चेहरा उड़ा उड़ा सा क्यों हुआ? तो बाबा, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर एकदम दिमाग भन्नाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब तफ्तीश होती है अभिषेक वाह, तो चारों तरफ से देखा जाता है, चारों तरफ से, कोई भी सुराग छूटने ना पाए। ये जो कह रही हैं, पूरे परिवार को बढ़ चढ़ के इनका साथ देना चाहिए। आप बताइए कि आगे आपने क्या सोचा है, इनका हम किस तरह से अंजाम दें? पापा, हम देवी कुमार के घर में जाकर तलाशी लेना चाहते हैं। हमें यकीन है कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हम जानते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसीलिए आपकी मदद मांग रहे हैं। आप उनका ध्यान भटकाकर उन्हें घर से दूर रखिएगा, तब तक हम जाकर कुछ ढूंढ निकालेंगे। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा पापा, हमें पूरा यकीन है। ठीक है, करता हूं। थैंक यू पापा, आज तो हम देवी कुमार का राज जानकर ही रहेंगे। आशीर्वाद दीजिए माता रानी कि आज हम कामयाब होकर ही लौटे, झूठ को हराकर, सच को जिताकर वापस आए। ये लड़ाई सिर्फ ध्रुव जी की नहीं है, इस पूरे परिवार की है, और अगर हम साथ में लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। क्या आप सब हमारा साथ देंगे? शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम तुम्हारे साथ हैं। अभिषेक बा। हाँ हाँ, हम भी हैं, हम साथ में हैं। हम सब आपके साथ हैं धानी बचवा। लेकिन तुम हमें ये बताओ कि तुम इतनी बेवकूफियां क्यों कर रही हो, हैं? अपना आपा क्यों खो रही हो तुम? क्योंकि हमें ध्रुव जी को पाना है, और ये सब नाटक ना हम बस उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हाँ तो सबर करो ना, सबर करो। अरे होश से काम लो ना, जैसे उस रात लिया था तुमने, ध्रुव को फोन करके बुलाया था। और ध्रुव तुम्हें मिलने आया भी था, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो अभी भी फिक्र करता है तुम्हारी।
इसलिए उस जगह पूरा नाटक किया और वीडियो बनाया। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो क्या तुम? हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम हमारे और थाने के बीच में कभी नहीं आ पाओगी, और कभी आने की कोशिश की भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद जब ध्रुव वहां से गया तब हमने तुमसे कहा था कि उसका पीछा मत करना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी और तुम्हारी वही जिद के कारण आज पूरा खेल बिगड़ गया। अगर उस रात तुम हमारी बात मान लेती तो आज ध्रुव को बेल नहीं मिलती। आप कहना क्या चाह रही है हाँ? सारी गलती हमारी है, अपनी हार का इल्जाम हम पर मत लगाइए। बकवास बंद करो अपने, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि गलती तुम्हारी है, वरना हमारा प्लान तो फुल प्रूफ था। ध्रुव को फंसाकर उसकी जिंदगी को बचाने के बहाने से हम धानी पर प्रेशर डालते कि वो उसे छोड़ दे, इससे पांडे परिवार तो बिखर ही जाता और तुम्हें अपना ध्रुव मिल जाता। लेकिन हम क्या करते, हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि तुम बेवकूफ हो, एक नंबर की बेवकूफ औरत हो और कमजोर भी हो, और इसीलिए हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि हम तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि सच जाने के बाद तुम फिर बेवकूफियां करोगे। आज के बाद जब तक हम ना कहें तुम कुछ नहीं करोगी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगी। आई बात समझ में? ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। सालों से इस परिवार को चलाकर राख करने का सपना देख रहे थे हम, आज बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा है। तुम्हारी बेवकूफी के कारण हम इसे जाया होने नहीं देंगे। अगर हमारे मकसद के बीच तुम आई ना सृष्टि, तो सबसे पहले इस आग में तुम जलोगी। अब चिंता मत कीजिए, हमने कहा ना, अब हम कुछ नहीं करेंगे।